भाजपा नेता रविंद्र सागवान ने पिघोवा आजम मंडी के स्वदेशी जागरण फाउंडेशन चौपाल द्वारा एक कार्यक्रम का किया आयोजन। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस आयोजन में जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए लघु ऋण के चेक वितरित किए गए तथा बेरोजगार युवक को ई रिक्शा देने के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए। हरियाणा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री कर्णदेव कंबोज ने ई रिक्शा चलाकर लोगों को प्रोत्साहित किया व आयोजकों की तरफ से कर्णदेव कंबोज की शॉल एवं सरस्वती की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं राज्यसभा सांसद राम कुमार कश्यप, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, डाडवा के विधायक डॉक्टर पवन सैनी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। होने वाला कुछ का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नारा दिया कि अब की बार 75 बार, और वो निश्चित रूप में जो है ना हमारा अब की बार पूरा होगा। जितने भी हरियाणा सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए हरियाणा, सभी चुनाव हमने जो है ना वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव में हमने एक इतिहास रच करके हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, 10 की 10 सीटें कमल के फूल पर जिता करके अभी यहाँ से हमारे सांसद बने हैं। और उसके बाद तो धारा 370 तोड़, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो एक कलंक हमारे देश के ऊपर था, जो हमारे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का एक षड्यंत्र था, उसको धारा 370 और आर्टिकल 35A को भी हटा करके आज तो बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ये एक बात जो है ना आज पूरे देश के अंदर, और इसका असर जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर भी आज बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से 5 साल सरकार चलाने का काम किया है, बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरियाँ देने का काम किया है, तो लोगों ने इस बात को बड़ा सराहा और लोगों ने इस बात के ऊपर जो है अब की बार जो है ना हरियाणा से 10 की 10 सीटें जो है ना लोकसभा में जितवा दी। जो मोटर व्हीकल जो है ना कोई किसी के ऊपर जुर्माना लगाने के लिए वो एक नहीं, कोई पैसा वसूलने के लिए एक नहीं है, लोगों की सेफ्टी के लिए कि ताकि लोग जो है ना इसका इम्प्लीमेंट करें, लोगों की जान जा रही थी एक्सीडेंट के अंदर, तो इसलिए जो है ना सरकार ने सिर्फ उस बात को जो है ना ताकि जुर्माने के डर से हेलमेट पहना जाए, सीट बेल्ट लगाई जाए और ट्रैफिक के नियमों का जो है ना वो ध्यान रखा जाए, तो केवल मात्र इस उद्देश्य से जो है ना ये एक्ट जो है ये लागू किया गया है, ये जो जुर्माना जो है उस हिसाब से लागू किया है, ना कि किसी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ डालने के लिए या कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की कोई भी सरकार की कोई मिल सकती।